हेलो गाइस, दिस इज मयूर सागर एंड वेलकम टू एक्सेलेंसी आईएएस। हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे एंड इन द वेरी फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन दैट मिसाइल इज ऑफ द टू टाइप्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड द क्रूज मिसाइल सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होता है और क्रूज मिसाइल जिसमें ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होता है। इन द मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के 5 मेजर कंपोनेंट्स थे, दोज वर सक्सेसफुली अचीव्ड। ओके, एंड ट्रिक क्या था? दैट इज पतन, दैट इज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड द नाग सीरीज। सो एंड सो इन द बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड अश्विन क्लास, प्रद्युमन क्लास एंड द स्वॉर्डफिश रडार। जब क्रूज मिसाइल्स की बात करेंगे देन वी विल सी दैट इज कॉल्ड ब्राह्मोस, निर्भय एंड द प्रहार कैटेगरी। सो इन द लास्ट क्लास दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द पृथ्वी सीरीज एंड देयर द वेरिएंट्स, द अग्नि सीरीज एंड देयर द 6 वेरिएंट्स। सो इन द टुडे वी विल टेक अप द रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट। सो विदाउट गेटिंग द डिले टू मच, लेट अस गेट स्टार्ट विद द टुडेस क्लास एंड बिगिन विद द टुडेस क्लास। सो सरफेस टू एयर में दो भाई हैं और दो चाचा हैं, दैट इज कॉल्ड सीनियर सैम और मिस्टर सैम। ठीक है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। शॉर्ट रेंज में क्या है कि ये 9 किलोमीटर हाइट तक, मतलब सरफेस से एयर में 9 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के डिस्ट्रॉय के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दिस सिस्टम को क्या बोलते हैं, त्रिशूल सिस्टम। याद रखिएगा, त्रिशूल का रेंज क्या होता है, दैट इज 9 किलोमीटर अल्टीट्यूड। बट मिस्टर सैम जो है इनका थोड़ा रेंज बढ़ जाएगा, अब 30 किलोमीटर हाइट तक भी वो क्या कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पेलोड कैपेसिटी 50 से 55 केजी तक ले जा सकते हैं एंड इसको बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जा सकता है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि पाकिस्तान दिमाग लगाता है, ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, ट्रेजेक्टरी बिकम पैराबोलिक, इसलिए उनका रीच बढ़ जाता है। ओके, रडार के बाहर भी जा सकते हैं। सो क्या कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया 30 किलोमीटर तक कैपेबिलिटी रखता है थ्रू दिस आकाश सिस्टम के, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी ये जो त्रिशूल सिस्टम है इसको इजराइल का एक सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड बराक। ओके, बराक। सो बराक मिसाइल सिस्टम से इसको रिप्लेस किया गया है। सो त्रिशूल का अभी उसके जगह पर कौन है, बराक सिस्टम। बट नाउ लेट्स कंक्लूड फर्स्ट। सो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, रेंज इज 9 किलोमीटर, सरफेस टू आकाश का मीडियम रेंज इसका 30 किलोमीटर हाइट तक, इसको बैलिस्टिक मिसाइल के डिस्ट्रॉय के लिए यूज किया जाता है। नाउ एक जो फिफ्थ कंपोनेंट था, दैट इज नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके दो वर्जन है, एक नेमिका और एक हेलिना। दैट इज नाग का बेसिकली एक लैंड वर्जन है और एक हेलीकॉप्टर वर्जन है। सो लैंड वर्जन क्या है, दैट इज योर नेमिका, और हेलीकॉप्टर वर्जन है, दैट इज योर हेलिना। इसको दो हेलीकॉप्टर में प्लेस किया जाता है, दो हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है, दैट इज ध्रुव और एक रुद्र हेलीकॉप्टर है। सो ध्रुव हेलीकॉप्टर बेसिकली यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और रुद्र हेलीकॉप्टर दैट इज योर, दैट इज अटैकिंग हेलीकॉप्टर। ठीक है, रुद्र भगवान, महेश गॉड, सो अटैकिंग हेलीकॉप्टर। ठीक है, सो ध्रुव एंड रुद्र में यूज करते हैं हेलिना। ठीक है, एंड नेमिका दैट इज लैंड वर्जन, इसको आर्मी बेसिकली यूज करते हैं। सो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, इट इज द फिफ्थ कॉम्पोनेंट एंड दिस इज द 5 कॉम्पोनेंट्स अबाउट दिस IGMPD प्रोग्राम। सो समझ में आया, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका ट्रिक क्या था, दैट इज पतन। क्लियर, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, और ये त्रिशूल को किससे रिप्लेस किया गया है, ब्राक मिसाइल सिस्टम ऑफ फ्रॉम इजराइल। क्लियर, अब हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। इस IBMPD के कितने कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट। पहला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, सेकंड पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, और थर्ड दैट इज रडार, दैट इज स्वॉर्ड फिश रडार। इसको याद रखिएगा। सो इसको याद रखने का ट्रिक है क्योंकि हर एक प्रोग्राम का कुछ कोड नेम रखा जाता था। सो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का कोड नेम रखा गया अश्विन क्लास, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम रखा गया प्रद्युमन क्लास। प्रद्युमन कौन थे, भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे। ओके, याद रखिएगा, हेल्प करेगा। एंड स्वॉर्ड फिश रडार इसका, दैट इज सिंपल रडार सिस्टम। तो ट्रिक इज APR, अप्रैल, अश्विन क्लास, प्रद्युमन क्लास, रडार सिस्टम। अब अश्विन क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि अश्विन क्लास
कितने रेंज तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका रेंज है कि डिस्ट्रॉय एट द 30 किलोमीटर अल्टीट्यूड, मतलब 30 किलोमीटर ऊपर अल्टीट्यूड का भी बैलिस्टिक मिसाइल को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस 30 किलोमीटर रेंज कैपेबिलिटी को एक टर्म बोला जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो एटमोस्फेरिक न्यूट्रलाइजेशन। याद रखिएगा, इंडो एटमोस्फेरिक न्यूट्रलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद आस्विन क्लास सिस्टम। इट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी अप टू 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल, बट हाइट वाइज कितना, 30 किलोमीटर तक, ठीक है। एंड सेकंड आते हैं, दैट इज पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। और वन थिंग, जो अश्विन क्लास है ये अग्नि मिसाइल सिस्टम के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, याद रखिएगा, अग्नि मिसाइल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज अश्विन क्लास। प्रद्युमन की बात करते हैं, दैट इज योर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, इसके कुछ फीचर्स हैं। अब पहले क्या था, 30 किलोमीटर तक था अश्विन क्लास में, अब ये 80 किलोमीटर तक होगा, दैट इज इन प्रद्युमन क्लास में। और रेंज भी बढ़ के, अब पहले 200 किलोमीटर था, तो अब क्या हो जाएगा, 2000 किलोमीटर तक। इतने रेंज तक इंडिया को ये प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रद्युमन क्लास, ओके। और इवन ये एक्जोस्फेयर तक जाके वे डिस्ट्रॉय करता है। एक्जोस्फेयर याद है, पृथ्वी के एटमोस्फेयर का लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर, यूरिडिट फ्रॉम योर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ओके। सो एक्जोस्फेयर तक ये इंडिया को प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है, प्रद्युमन क्लास। और एक हमारा रडार सिस्टम डेवलप किया गया था, जिसको स्वॉर्ड फिश रडार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड फिश रडार। ऑलराइट, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, क्या समझ में आ रहा है, ओके, यू रिमेंबर ऑल दिस, दीज आर हेल्पफुल। ये सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, ओके, तो इनके साथ कोई कंजूसी नहीं, यू रिमेंबर इट। सो स्वॉर्डफिश रडार डेवलप किया गया, इसको लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार बोलते हैं। और ये बेसिकली किस रडार पे बेस्ड था, इजराइल के ग्रीन पाइन रडार पे बेस्ड था। इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस्ड है, ओके। सो आवर स्वॉर्डफिश रडार इज बेस्ड ऑन ग्रीन पीस रडार ऑफ इजराइल, एंड दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्लास, अश्विन क्लास, प्रद्युमन क्लास, ओके। सो अश्विन क्लास प्रोवाइड 30 किलोमीटर हाइट, 200 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज कॉल्ड इंडो एटमोस्फेरिक न्यूट्रलाइजेशंस। प्रद्युमन क्लास, इट प्रोवाइड कवर अप टू 80 किलोमीटर अल्टीट्यूड, 2000 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इस ये इवन एक्जोस्फेयर में जाके न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड स्वॉर्डफिश रडार, इट इज कॉल्ड LRTR, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, एंड इट इज बेस्ड ऑन ग्रीन पाइन रडार ऑफ इजराइल। इस पूरे प्रोग्राम को याद रखने का ट्रिक क्या है, अप्रैल, ओके। सो हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हम लोगों ने क्या देखा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके 5 कंपोनेंट थे, तो 5 कंपोनेंट को याद रखने का ट्रिक क्या था, पतन, ठीक है। सो दैट इज योर द पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग, दैट इज त्रिशूल इज रिप्लेस्ड विद बराक मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इजराइल। एंड अग्नि सीरीज में कौन सा इंजन यूज करते हैं, दैट इज विकास इंजन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। विच वन इज द फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल, दैट इज अग्नि 3, बट MIRB कौन कौन है, दैट इज 3, 4 एंड 5। और वर्ल्ड में कितने कंट्री है जिसके पास MIRB कैपेबिलिटी है, 7 कंट्रीज, US, USSR, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया एंड इजराइल। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, तो 3 इसके कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड अश्विन क्लास, प्रद्युमन क्लास एंड स्वॉर्डफिश रडार। अश्विन क्लास कितने कवर तक प्रोवाइड करता है, 30 एंड 200, ये 80 एंड 2000, एंड स्वॉर्डफिश रडार, दैट इज LRTR। दीज आर द इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ऑलराइट, गेटिंग एवरीवन, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट एरियाज रिमेनिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक शील्ड, ठीक है। सो ये बैलिस्टिक शील्ड क्या है, हम लोगों ने अभी देखा था कि अंडर द बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरह से अश्विन, प्रद्युमन क्लास इंडिया का एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, दैट इज 30 किलोमीटर ये 80 किलोमीटर तक कवर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का जो बैलिस्टिक कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है, वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही कंट्री है जिनके पास है, और इंडिया में 2 सिटी है, दैट इज दिल्ली और मुंबई, ये बैलिस्टिक कवर से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, कैपिटल है हमारा, ओके, वन इज द फाइनेंशियल कैपिटल, वन इज द नेशनल कैपिटल। सो वर्ल्ड में USA, USSR, इजराइल एंड इंडिया, इन 4 कंट्री के पास ही सिर्फ बैलिस्टिक शील्ड है, ओके, इवन चाइना के पास भी बैलिस्टिक शील्ड नहीं है, ओके। सो यू रिमेंबर दिस वन, कि बैलिस्टिक शील्ड इज ओनली हैव, देयर आर द 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अमेरिका, रशिया, इजराइल एंड इंडिया। नाउ लेट्स मूव। नाउ फ्रेंड्स,
हम लोग SLBM के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंडिया की कैपेसिटी दैट को न्यूक्लियर जो वारहेड हो वो हम लोग सरफेस से थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकते थे, ठीक है, एयर से भी छोड़ा जा सकता है, कुछ जैसे SU-30 दैट SU-30 MKI, इससे हम लोग न्यूक्लियर वारहेड को छोड़ सकते थे। उसी तरह से हमारा अंडर वाटर दैट इज वाटर से भी हम लोग न्यूक्लियर वारहेड को छोड़ सकते हैं। इसके लिए SLBM डेवलप किया गया। इसमें दो इंपॉर्टेंट सीरीज है, K-15 एंड K-4। K-15 को हम लोग सगारिका भी बोलते हैं। व्हाट? सगारिका, याद रखिएगा। और ये सगारिका को INS अरिहंत में फिट किया जाता था। व्हाट इज INS अरिहंत? INS अरिहंत इज इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। हमारे यहाँ सबमरीन में देयर आर द टू इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड अरिहंत क्लास एंड अरिधमन क्लास। दो है, एक अरिहंत है और एक अरिधमन है। सो इन अरिहंत क्लास में K-15 को फिट किया जाता था एंड इट इंक्रीज द कैपेसिटी कि अब हम लोग वहां अंडर वाटर से भी न्यूक्लियर वार हेड को लॉन्च कर सकते थे। सो इसका मतलब हम लोग एयर दैट इज सरफेस, लैंड, एयर और वाटर तीनों से न्यूक्लियर वार हेड को लॉन्च कर सकते थे। दिस कैपेबिलिटी टू लॉन्च द न्यूक्लियर वार हेड फ्रॉम लैंड, एयर एंड वाटर, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर ट्रायड, ठीक है। सो न्यूक्लियर ट्रायड, सो इंडिया अचीव दिस न्यूक्लियर ट्रायड विद दिस K-15 सीरीज। K-15 से हमारा न्यूक्लियर ट्राइव अचीव हुआ, क्लियर। सो व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड? न्यूक्लियर ट्रायड इज बेसिकली कैपेबिलिटी टू लॉन्च द न्यूक्लियर वारहेड फ्रॉम लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड, वाटर और एयर तीनों से हम लोग न्यूक्लियर वारहेड छोड़ सकते थे। पहले कन्वेंशनल वारहेड लिया जा सकता था, बट न्यूक्लियर चीजों भी हम लोग वहां से डिलीवर कर सकते थे। दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर ट्रायड। और इस तरह से वर्ल्ड में न्यूक्लियर ट्रायड किन किन कंट्रीज के पास है? सो अक्रॉस द ग्लोब सिर्फ चार कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। कौन कौन से? USA, USSR, चाइना एंड इंडिया। सो इनके पास कैपेसिटी है कि वो लैंड, एयर और वाटर तीनों से क्या कर सकते हैं? ना न्यूक्लियर वारहेड को छोड़ सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, क्लियर। MIR भी याद रखिएगा, वो 7 कंट्री था, क्लियर। देन बैलिस्टिक शील्ड 4 कंट्री था। दे आर द इंपॉर्टेंट, या कंफ्यूज मत करना। एंड न्यूक्लियर ट्रायड इट इज दैट USA, रशिया, चाइना एंड इंडिया। ओके, नाउ दिस इज अबाउट SLBM। नाउ सरफेस टू एयर मिसाइल्स में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा त्रिशूल मिसाइल सिस्टम, इसको किससे रिप्लेस किया गया है? बराक फ्रॉम द इजराइल। ओके, नाउ दिस आकाश मिसाइल सिस्टम, ये इसका रेंज क्या था? 30 किलोमीटर अल्टीट्यूड, याद होगा ना। स्पाइडर, स्पाइडर भी कहां से लिया गया है? ना इजराइल से, ठीक है, इजराइल से स्पाइडर। त्रिशूल की रेंज कितना था? 9 किलोमीटर था, अप टू 9 किलोमीटर। बराक का भी 9 to 12 होता है, दैट इज आकाश का 30 किलोमीटर। बट इसके बीच में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या है? स्पाइडर है। और स्पाइडर में भी दो वेरिएंट है, और एक है डर्बी, डर्बी एंड पाइथन, ठीक है, डर्बी एंड पाइथन। सो दीज आर द स्पाइडर। सो डर्बी एंड पाइथन दो कैटेगरी हैं जिसके मीडियम, जैसे द पाइथन, जो पाइथन है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम रेंज, क्लियर। इन लेट से 15 डर्बी में 15 किलोमीटर तक रेंज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसमें भी 15-20 किलोमीटर तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दीज आर द दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम SAM। सो अबाउट दिस स्पाइडर, ओके, देयर आर द टू क्लास दैट इज कॉल्ड डर्बी एंड पाइथन, दो वर्जन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, यू नोट इट डाउन कि रेंज क्या होता है। 30 किलोमीटर डर्बी का, पाइथन का होगा 15 किलोमीटर, एंड देयर जो पेलोड कैपेसिटी 10 kg तक ले जा सकता है, एंड पाइथन दैट इज 12 to 15 kg, ठीक है। तो SAM में चार है, याद रखिएगा, क्या क्या है? फर्स्ट तो त्रिशूल, इसको रिप्लेस किया गया है बराक से। सो बेसिकली ट्रिक इज TABS, ओके। सो त्रिशूल, आकाश, बराक एंड स्पाइडर। अब स्पाइडर में दो है, डर्बी एंड पाइथन, क्लियर, रिमेंबर। और SLBM में क्या है? दैट इज फर्स्ट इट इज K-15 सगारिका सीरीज जो न्यूक्लियर ट्राइड को कंप्लीट करता है, एंड K-4 सीरीज, ओके। और K-15 इज कहां रखा जाता है? दैट इज INS अरिहंत। और एक और सबमरीन का क्लास है INS अरिधमन। सो INS अरिहंत और K-15 सीरीज इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड को कंप्लीट करता है, क्लियर। और वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं? 4 कंट्री जिनके पास अपना न्यूक्लियर ट्राइड है, मतलब कैपेसिटी टू लॉन्च द न्यूक्लियर वारहेड फ्रॉम लैंड, एयर एंड वाटर। आई होप द फ्रेंड्स गेटिंग। सो इन मेमोरी ट्रिक्स को भी ध्यान रखना है, क्लियर।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट ATGM, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. इसमें तीन आते हैं, दैट इज कॉल्ड नाग, स्पाइक एंड मिलन. ठीक है, नाग, स्पाइक एंड मिलन. तो नाग तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसके दो वेरिएंट है. पहला क्या है, नेमिका एंड हेलिना. ओके, सो नेमिका जो लैंड बेस था, जो आर्मी में यूज होता है, एंड हेलिना हेलीकॉप्टर बेस, जिसके दो टाइप थे, दैट इज ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर, जिनको ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता था. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इन स्पाइक, स्पाइक ये इंपॉर्टेंट है, दिट इज परचेज फ्रॉम इजराइल. कहां से स्पाइक को परचेज किया गया है, दैट इज इजराइल. एंड मिलान सिस्टम फ्रॉम द फ्रांस. सो ATGM में दिस इज नाग सिस्टम, स्पाइक सिस्टम एंड मिलान सिस्टम, इट इज फ्रॉम द फ्रांस. नाउ स्पाइक फ्रॉम द इजराइल एंड नाग टू वर्जन, नेमिका हेलिना, हेलिना इज द डर्बी एंड रुद्र. क्लियर? नाउ एयर टू एयर, जो एयर टू एयर में जो फायर करेगा, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसमें एक क्लास आता है, दैट इज कॉल्ड अस्त्र. इसको क्या बोलते हैं, अस्त्र. एयर टू एयर इज कॉल्ड अस्त्र. सो अस्त्र का रेंज क्या होता है, अप टू 80 किलोमीटर. इसको हम लोग BVR भी बोलते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज. ये बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या है, कि अप टू 37 किलोमीटर, ठीक है, जीरो से 37 किलोमीटर तक को हम लोग विजुअल रेंज बोलते हैं, जहां तक दिखता होगा. अब उसके बाद जो हो गया 80 किलोमीटर, उसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज. सो अस्त्र इज ए सिस्टम जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेसिटी इन्वॉल्व है, और इसकी कैपेसिटी कितने तक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज तक. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स. अब थोड़ा क्रूज मिसाइल की बात करते हैं. क्रूज मिसाइल में तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, इसको याद रखने का ट्रिक है, बेनी प्रसाद. क्या है ट्रिक, बेनी प्रसाद. सो BNP, क्लियर? सो ब्राह्मोस, निर्भया एंड प्रहार. सो ब्राह्मोस, निर्भय क्लास एंड द प्रहार क्लास, तीन इंपॉर्टेंट है. सो ब्राह्मोस क्या है, सभी जानते होंगे, इट इज ए क्रूज मिसाइल. तो क्रूज मिसाइल का ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, दैट इज लीनियर. एंड ब्राह्मोस, इट इज बेसिकली सिंबलाइजिंग ब्रह्मपुत्र रिवर और मस्कवा रिवर ऑफ द रशिया. तो किसका किसका वेंचर है, दैट इज इंडिया और रशिया का. एंड इंडिया से DRDO एंड रशिया से, दैट इज मोसिनो स्ट्रोयनिया. सो दीज आर द टू कंपनीज विच आर इन्वॉल्व फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम. इनिशियली इसका रेंज क्या था, 90 किलोमीटर, अपग्रेडेड टू 450 किलोमीटर. सो दिस इज द रेंज ऑफ द ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम. याद रहेगा, इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, DRDO एंड दिस मोसिनो स्ट्रोयनिया, दीज आर द, दिस इज द कंपनी, एंड दिस इज मस्कवा रिवर फ्रॉम रशिया एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम दैट इंडिया. इसको रिकॉग्नाइज करता है, सिंबलाइज करता है. निर्भय क्लास की बात करेंगे, इट इज इंडिजिनसली डेवलप, DRDO इसको डेवलप किया है. इसका रेंज कितना है, 1000 किलोमीटर तक. एंड प्रहार कैटेगरी, इसका भी रेंज कितना है, 1000 किलोमीटर. सो क्रूज में तीन है, बेनी प्रसाद. क्लियर? सो ऑल राइट फ्रेंड, लेट्स कंक्लूड अवर द टूडेज क्लास. मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखा, देयर आर द टू टाइप ऑफ मिसाइल, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड द क्रूज मिसाइल सिस्टम. बैलिस्टिक मिसाइल जो पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, क्रूज मिसाइल जो एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा. इसके डेवलप करने के लिए दो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, दैट इज कॉल्ड IGMDP मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड दिस इज IG बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्लियर? सो दिस इज द प्रोग्राम जिसके 5 कंपोनेंट थे, दैट इज पतन, याद है सब, याद रखना है. ओके, दैट इज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग क्लास. सो त्रिशूल बीन रिप्लेस्ड बाय बराक सिस्टम फ्रॉम इजराइल. ये प्रोग्राम सक्सेसफुल था एंड इट हैज बीन कंप्लीटेड इन 2008. बट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस कारगिल वॉर, 1999 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसके 3 कंपोनेंट थे, एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज अश्विन क्लास, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम दैट इज प्रद्युमन क्लास, एंड एक रडार था, दैट इज स्वॉर्डफिश रडार. ठीक है? So, ये तीनों चीज भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया. इट प्रोवाइडेड द कवर अप टू, दैट इज 80 किलोमीटर हाइट एंड 2000 किलोमीटर ऑफ द रेंज. ऑन द अनदर हैंड, क्रूज मिसाइल की बात करेंगे, सो इसके 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेनी प्रसाद, क्लियर, ब्राह्मोस, निर्भय एंड द प्रहार मिसाइल सिस्टम. ठीक है? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ और इंपॉर्टेंट मिसाइल लाइक SLBM, इसके लिए अलग से मैंने बताया है. क्लियर? दैट इज सर्फेस टू एयर में 3 बताया है, दैट इज TABS, याद है सब, त्रिशूल, आकाश. ओके, देन बराक एंड स्पाइडर. स्पाइडर में 2 बताया था, पाइथर एंड डर्बी. क्लियर? उसके बाद लास्ट क्या था, एयर टू एयर, इसको क्या बोला जाता है, अस्त्र मिसाइल. इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब रेंज कितना है, 80 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशंस. आई होप दिस सेशन मस्ट बी इंफॉर्मेटिव. और ये
आपको याद रहना चाहिए, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस एट द एग्जामिनेशन हॉल. सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रेंड, दैट यू विजिट अवर द चैनल एंड यू एक्सप्लोर द डिफरेंट सेक्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड वी आर टेकिंग अप एफर्ट टू वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च the weekly as well as monthly current affairs program, so that all things would be put in available to you. So at last, that you stay safe, stay healthy, have a nice day. Bye bye.